यो गाइस इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन टेम्पल के और एक न्यूज़ में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो और हो सके ना तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियो का अपलोड आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड को भी स्टार्ट वहीं से होता है जहां पर हम लोगों ने देखा था कि जाओ अभी तक अपने जो स्पिरिचुअल कॉन्शियस है उसके अंदर था, जहां पर कि एक छोटू सा आइस क्रिस्टल के अंदर हम लोग का छोटू बाइकी अभी आहिस्ता आहिस्ता एक ड्रैगन में तब्दील हो रहा था, जिसे देखने के बाद अभी हम लोग जाओ बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपने अंदर सोच रहा था कि फाइनली बाइकी हम लोग फिर से पहले की तरह आसमान का सैर कर सकेंगे। तो मैं पहले तो एक ड्रैगन टेमर नहीं था जिसके चलते आज तुम्हारे साथ ये सब घट चुका है, लेकिन मैं जल्दी बहुत ही पावरफुल ड्रैगन टेमर बनने वाला हूँ और मैं फाइनली तुम्हारे ये रिग्रेशन के पीछे का जो राज है ना वो भी पता कर पाऊंगा। और वैसे भी मैं कितने दिन अपने यूनजू की आंखों में एक धब्बा बनकर रहूंगा, मैं जल्दी एक बहुत पावरफुल ड्रैगन टेमर बनूंगा। जैसे करके भी हो मैं ना यूनजू की जरूर मदद करूंगा, लेकिन इतने बड़े बड़े काम करने से पहले ना मुझे जब तक बाइक अपने ककुन के बाहर नहीं निकलता तब तक मुझे रहने के लिए एक अच्छे से जगह और कुछ काम चाहिए। लेकिन वैसे भी ये जो जगह है ना एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंड इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और वैसे भी यूनिवर्सिटी अंदर मैं जब काम ढूंढने के लिए गया था ना तब मैं फंस हुआ था और मैं यहाँ पर फंसना नहीं चाहता। और तभी हम लोग ये जाओ के दरवाजे में बाहर से कोई ना करते जो सुनने के बाद जाओ कहता है रुको रुको दरवाजा क्या तोड़ने वाला हूँ मैं आ रहा हूँ ना। तभी दरवाजा खोलने के बाद पता चलता है दरवाजे के बाहर ना एक बहुत ही खूबसूरत छोटी लड़की थी जो की हम लोग जो यून से थी उसी के मेड सर्वेंट सू थी, जो यहाँ पे आने के बाद बताते की जो मिस है ना ये आपके लिए रिकमेंडेड लेटर सेंड किया, ये जल्दी जल्दी जाके ना ये आप जो लिंचवान एकेडमी है उसके अंदर चले जाओ जहाँ पे आप ड्रैगन टेमर एकेडमी में लेटर की मदद से ना आप बहुत ही आसानी के साथ एडमिशन ले सकते हो। दूसरे और हम लोग जाओ ये लेटर पाने के बाद सोच रहा था कि यूंज ने वो जो ड्रैगन टेम्पल जाओ था ना उसे कहा था कि मैं इस एकेडमी के अंदर पढ़ता हूँ तो शायद ये एक्ट को वो रियल करना चाहती है। तो वैसे भी छोड़ो मैं वैसे भी यहाँ पे काम ढूंढ रहा था, अगर इस एकेडमी में जाता हूँ ना तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन तभी वो लड़की फिर से कहते कि आपको ना जल्दी जल्दी करके काल ही जाना पड़ेगा क्योंकि जो स्पिरिचुअल सीडलिंग भी है वो काल देने का लास्ट दिन है, अगर तुम तीसरे दिन जाते हो ना तो तुम्हें ना खुला ही बैठना पड़ेगा। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन हम लोगों लिंचवान ड्रैगन एकेडमी का सीन दिखाया था जहाँ पर कि अभी हम लोग का हीरो आ गया था, जहाँ पर तभी एक लड़की उससे पूछते हैं ओए बंदे तू भी क्या यहाँ पे जो लिंचवान एकेडमी है वो देखने के लिए आया है। अभी हम लोगों उसी लड़की को दिखाया था जिस लड़की का नाम था फैंगलिनियन जो की एक पिछला थी, जिसे देखने के बाद अभी हम लोग हीरो कहता नहीं नहीं मैं यहाँ पे ना एडमिशन लेने के लिए आया हूँ, जो सुनने के बाद वो लड़की उसको बहुत मजाक बनाने लगते और कहते तुम्हें देखो तो तुम देखने में तो कुछ बेगर के जैसे लग रहे हो और तुम्हें क्या लगता है ड्रैगन एकेडमी के अंदर तुम जा भी सकते हो तुम्हारे पास पैसा है। तभी हम लोग हीरो ठीक है ना चलो बेट कहते हैं अगर मैं इस ड्रैगन टेम्पल एकेडमी के अंदर चले जाता हूँ तो तुम ना मुझे अपने जो पीछे है सब फ्री में दे दोगे। तभी वो लड़की कहते हैं ठीक है अगर मैं जीत जाऊँ तो क्या। तभी हम लोग हीरो कहते हैं तो तुम्हारे जीतने में पीछे ना मैं खरीद लूंगा, जो सुनने के बाद वो लड़की उसे चिढ़ाते हुए कहते बच्चू तुम्हारे पास मेरे इतने सारे पीछे खरीदने का पैसा भी है। और इसी के साथ हम लोग का हीरो जो एकेडमी है उसके एक एल्डर के पास जाने के बाद अपना जो रिकमेंडेशन का लेटर है उसे शो करते हैं, जो देखने के बाद वो बंदा कहता है कि ठीक है बच्चे तुम बहुत लेट आ चुके हो जल्दी जल्दी करके तुम्हारे जो एमएलए है ना वो लेने के बाद थोड़ा साइड में बैठ जाओ बाकी सारे बंदे को आने दो। जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो उसी पीछे गर्ल को चिल्लाते कहे लड़की देख देख मैं ना इस एकेडमी के अंदर आ चुका हूँ। तभी हम लोग उस पीच गर्ल को दिखाते हैं जो कि मजे में अपना जो पीच है उसे बेच रहा था। तभी ये देखने के बाद हम लोग हीरो और भी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये ना मुझे जानबूझ के इग्नोर करें और ये ना मुझे हारने से भी ज्यादा यहाँ पे मेरे जुम्मन लग रहा है। तभी इसी के साथ यहाँ पे एक बड़े से ड्रैगन को दिखाया जाता है जो पे आ गया था। तभी एक इंस्ट्रक्टर आने के बाद कहता है जल्दी जल्दी करो इस जो इस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाओ वरना मैं ऐसे ही यहाँ से निकल जाऊंगा, जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदा तो इस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाते। तभी हम लोग को बनता चलता है एक बंदे का नाम यहाँ पे ना ही था और दूसरे बड़े बंदे का नाम था लीसाओ। तभी जो लीसाओ था ना उसी का अंकल उससे कहते हैं कि बच्चे तुम अच्छे से क्या लगना टाइम में ना दूध पी लेना और मैंने ना तुम्हारा जो बैग है उसके अंदर बहुत सारी चड्डी दे दिया तो इसे धो धो के अपने टाइम में पहन लेना, जो सुनने के बाद ना वो बंदा बहुत सर मैंने लगता और कहते हैं अंकल बहुत हो गया मैं भी बड़ा हो चुका हूँ ऐसे वैसे बात ना सबके सामने मत किया करो आप घर जाइए मैं अपना ख्याल अच्छे से रख लूंगा। वो बंदा हम लोग के हीरो से पूछते बड़े भाई आपका नाम क्या है। तभी हम लोग के हीरो कहते हैं मेरा नाम जाओ है तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो बंदा भी कहता है मेरा नाम साओ है। तभी वो सामने वाले बंदे से पूछते कि भाई आपका नाम क्या है, लेकिन वो बंदा तो उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर था ना इन लोगों का बात सुन लेता और कहता है तुम लोग ना बहुत लेट आ चुके हो और अभी अगर बात करोगे ना तो तुम लोगों को मैं यहाँ से नीचे उतार दूंगा, जो सुनने के बाद ना वो तीनों के यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। वैसे भी जो पहले वाला बंदा था वो तो पहले से ही साइलेंट था, बाकी हम लोग जो जावत साव था वो दोनों यहाँ पर साइलेंट हो गया था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को लिंचवान एकेडमी का स्टोरेज रूम दिखाते हैं जहाँ पर कहीं बहुत सारे छोटे छोटे सीलिंग थे। तभी वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर हम लोगों से कहता है कि तुम लोग जल्दी जल्दी करो यहाँ पे जितने सारे सीलिंग है ना उन लोगों को ले लो वरना काल तक तुम लोगों के लिए ना कोई सीलिंग बचेगा नहीं। और यहाँ पे ये कहते हुए ना वो बंदा यहाँ पे उबासी ले रहा था और तभी हम लोग को यहाँ पे एक अलग ही परिंदा दिखाया जाता है जिसके पास ना बैट जैसा विंग था और यहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन को भी दिखाया जाता है जो देखने के बाद बाकी सारे बंदे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे साव कहता है पता नहीं मुझे कौन सा ड्रैगन मिलने वाला है। तभी जो सुनने के बाद ना जो पहले वाला बंदा साइलेंट था वो कहता है तुम्हें ड्रैगन मिलेगा उसका कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है, 100 में से ना 0.1% जितने भी यहाँ पे सीलिंग है ड्रैगन में तब्दील होते हैं। तभी हम लोग को हीरो को देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डॉगी जैसे दिखने वाले पोकेमॉन तो खेल रहे थे लेकिन एक छोटू सा क्रोकोडाइल ना एक
छोटू सा लार्वा को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी ये देखने के बाद बाकी सारे जितने भी डॉगी थे ना सब मिलकर उसे मार रहे थे। और ये देखने के बाद ना अभी हम लोग के हीरो सोच रहा था तो इधर भी बुली किया जाता है। और इसी के साथ वो छोटू सा क्रोकोडाइल को उठा लेता है और कहता है, छोटू क्रोकोडाइल मेरे जान, तुम्हें ये लोग मिलकर बुली करे, अभी तुम्हारा मास्टर आ चुका है, तुम्हें और बुली नहीं होने देगा। लेकिन तभी वो नॉटी क्रोकोडाइल ना हम लोग हीरो के मुंह के ऊपर पीपी कर देता है, जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कह रहा है, छोटू सिबलिंग तू ना बहुत ही नॉटी है, तुझे ये लोग बुली कर रहे थे ना, यही अच्छा था, मैं बेकार में तुझे बचा लिया। और तभी उसे याद आता है जो बूढ़ा स्ट्रॉलर था ना उसने कहा था कि जितने भी हमें छोटे छोटे सिलिंग है जो कि ड्रैगन में तब्दील होते हैं ना, उन लोगों को जो सिल्क वर्म है वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तभी अपने पास से एक सिल्क वर्म निकलने के बाद हम लोग हीरो कहते हैं कि छोटू तू ये सिल्क वर्म खाना चाहते, अगर तू चाहता है ना तू मुझे ना अपने मास्टर मिले, मैं ना एक सिल्क वर्म हूँ और मैं तुझे रोज ये सिल्क वर्म खाने के लिए दूंगा। जो सुनने के बाद ना छोटू अपने जो मत्था है वो जोर जोर से हिलाने लगता है और इसी के साथ हम लोग का हीरो इसी के साथ सोल बाइंडिंग जो टेक्निक है उसे परफॉर्म कर लेता है। आज ना मैं तुझे क्रोकू बोल के पुकारूंगा, लेकिन वैसे भी छोटू बोलने में ना बहुत मजा आता है। तभी हम लोग हीरो देखते हैं हम लोग जो छोटू है एक क्रोकोडाइल है, लेकिन फिर भी उसके सिर में ना एक छोटू सा यहाँ पे हॉर्न है, जो देखने के बाद हम लोग हीरो श्योर हो गया था कि हम लोग का छोटू ना भविष्य में जाके एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन में तब्दील होगा। उसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हम लोग का हीरो जाओ अपने छोटू के लिए एक बड़ा सा तालाब खोद देता है और कहता है कि छोटू आज ना तू इसके अंदर नहा और मैं भी जा रहा हूँ नहाने के लिए। और तभी हम लोग हीरो नहाते नहाते सोच रहा था ओहो जिंदगी का मजा तो यही पर है, अच्छे से जापानी स्टाइल में ना। फिर से हम लोग सीन शिफ्ट हो गए, नेक्स्ट दिन सुबह का सीन दिखाता है जहाँ पर कि हम लोग हीरो ना अपने जो हॉर्स है उसे यहाँ पे बेच के बहुत ही मजे में सो रहा था, लेकिन तभी ना छोटू उसके ऊपर से फुदकते हुए नीचे फुदकना स्टार्ट कर देता है, जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो कहते हैं ओहो छोटू मियाँ देखो तो तुम्हारे अंदर सुबह सुबह कितना एनर्जी है, चलो चलो ये जो सिल्को में ना इसे खा लो और ये खाने के बाद ना मैं पूरे दिन तुमसे ट्रेनिंग कराऊंगा। लेकिन जब हम लोग हीरो ट्रेनिंग करने के लिए जा ही रहा था तभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे को ना इन के बारे में भरा बोला कहते हुए सुनता है, लेकिन फिर भी हम लोग हीरो इग्नोर करते हुए चला जाता है। फाइनली हम लोग छोटू को ट्रेनिंग करने के लिए ना एक वाटरफॉल के पास ले आया था जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा था। हम लोग हीरो कहते हैं छोटू तुम तो एक क्रोकोडाइल हो और जल्दी ही तुम एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन में तब्दील होने वाले हो, लेकिन तुम इतने स्लो स्लो क्यों तैर रहे हो, क्या तुम्हें तैरना नहीं आता। जो सुनने के बाद ना हम लोग छोटू बहुत ही गुस्सा होता है, गुस्से का मारा हम लोग छोटू ना बहुत तेज तेज यहाँ पे स्विम करने लगता है, जो देखने के बाद हम लोग हीरो कहते हैं ओहो भाई बहुत बढ़िया, लेकिन वही तू कहाँ जा रहा है छोटू वापस आ उधर मत जा गिर जाएगा। लेकिन छोटू कहाँ किसका बात सुनने वाला है, जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो जल्दी करके झटपट करके छोटू के पास जाता है, छोटू को पकड़ के कहता है ऐसा दोबारा मत करना और इसी के साथ छोटू को बाहर निकल देता है। लेकिन तभी दिखा जाता है हम लोग का हीरो जिस टैनी को पकड़े हुआ था ना वो टैनी ही टूट जाता है ये ना, ये टैनी टूटने के बाद हम लोग हीरो नीचे गिर रहा था, तभी जो देखने के बाद हम लोग छोटू भी नीचे जंप कर देता है। तभी हम लोग हीरो कहता है अरे भाई ऐसा मत कर, देखो तो भाई कितना अच्छा बंदा है, अपने मास्टर को गिरते हुए देखने के बाद वो भी यहाँ पे छलांग लगा देता है। अरे पर अपने मास्टर को अपने आंखों के सामने गिरते हुए देखने के बाद ना हम लोग छोटू अपने जो स्पीड है उसे और भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ हम लोग छोटू का जो फोरहेड का जो हॉर्न था ना वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लगा, इसी के साथ हम लोग जो चार्मेंडर था ना वो यहाँ पे इवोल्व हो जाता है, सॉरी यहाँ पर हम लोग जो छोटू था आहिस्ता आहिस्ता इवोल्व हो जाता है। और दूसरे ओर हम लोग जो हीरो था वो तो नीचे गिर रहा था और नीचे गिरते गिरते सोच रहा था कि आज मेरा क्या होने वाला है, लेकिन तभी अचानक से दिखा जाता है हम लोग का हीरो बच जाता है। तभी हम लोग को पता चलता है ना ये एक बहुत ही पावरफुल सॉल्टेड वाटर ड्रैगन था जो अभी हम लोग हीरो को बचा लिया था। और जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो सोच रहा था ये यहाँ पे कहाँ से आ गया, मुझे क्यों बचा रहा है ये बंदा। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है इसका जो मास्टर था ना ड्यून गैंग वो भी यहाँ पे था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लेडी थी जो कि उन लोगों का टीचर थी। और तभी यहाँ पे ड्यून कहते कि लड़के तुम यहाँ पे मरने के लिए क्यों आए, तुम्हें पता है ना लड़के ये जो जिंदगी है ना ये जिंदगी तुम्हारे माता पिता का दिया हुआ है तो तुम क्यों मरना चाहते हो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो कहते हैं नहीं मैम मैं मरना नहीं चाहता था, मेरा जो ड्रैगन है ना वो ऊपर से नीचे गिर रहा था तो मैं उसे भी बचा रहता था। जो सुनने के बाद अभी मैम पहले तो विश्वास नहीं करते, बाद में जब छोटू भी नीचे गिर रहा था ना तब वाटर ड्रैगन जाके उसे भी बचा लेता है और उसके बाद ही मैम उसे विश्वास करते कि हाँ ये बंदा यहाँ पे सही कर रहा था, ये यहाँ पे मरने के लिए नहीं आया था। पर अपने मास्टर को सही सलामत देखने के बाद ना छोटू बहुत ही खुश होते हैं। दूसरे बार हम लोग हीरो भी देखते हैं कि हम लोग छोटू ना अभी एक लेवल एडवांस हो गया था। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे बंदे अपने छोटे छोटे सिलिंग का आपस में लड़ाई कर रहे थे, जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो कहते हैं कि देखो ये बंदे कितना यहाँ पे बेकार काम कर रहे हैं, लेकिन मैं छोटू मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन तभी ना छोटू का जो पेट है वो यहाँ पे गुडराने लगता है, तभी हम लोग छोटू को एक फिश देते हुए कहते हैं कि छोटू अभी इससे काम चला लो मैं तुम्हारे लिए ना बाद में बहुत सारे उम्र लेके आऊंगा। तभी जो सुनने के बाद छोटू कहते हैं नहीं मालिक ये हम लोग का डील नहीं था, आप मेरे साथ यहाँ पे धोखा कर रहे हो। नेक्स्ट दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग जाओ ना बहुत सारे उम्र पकड़ा था और जो हम लोग छोटू के लिए ले जा रहा था, तभी हम लोग को पता चला ये छोटू के साथ धोखा नहीं कर रहा। और तभी हम लोग हीरो जाते जाते सोच रहा था कि मैं तो छोटू के लिए बहुत सारा खाना लेके जा रहा हूँ, लेकिन वैसे भी मुझे कुछ नेक्टर चाहिए, अभी हम लोग जो बाइकी है वो अभी अपने फ्रॉस्ट बाइट के अंदर है और जब निकलेगा ना बाहर उस कोकुन से तो उसे बहुत सारे नेक्टर की जरूरत होगा। तभी पीछे से एक बंदा आता है, आने के बाद कहता है क्या तुम ड्रैगन के पूपू के अंदर घुस गए थे, इतना सारा लड़वा कहाँ से नहीं लड़े तुम्हें, तुम ठीक है एक काम ही कर रहे हो तो तुम मेरे जो बैकयार्ड का टॉयलेट है ना उसे भी साफ कर दो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम अपने काम अपने आप से करो ना, मैं ना करूँ तो तुम क्या कर लोगे। जो सुनने के बाद वो बंदा बहुत ही गुस्सा होता है, अपने जो झाड़ू था वो फेंक देता है, कहते हैं कल हम लोग टूर्नामेंट
में अगर तुम ना आए ना बंदे, तो मैं ना तुम्हें छोड़ के बात नहीं करने वाला। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा। और हो सके ना तो ये स्क्रीन में जिस बंदे का अभी पिक्चर है इसका नाम ना नीचे कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में उसका बहुत ही जोर से एक शाउट आउट दिया जाएगा।